नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका। जब आप एक बूटेबल पेन ड्राइव से विंडोज़ को रीइंस्टॉल करते हैं, मतलब कंप्यूटर फॉर्मेट करते हैं, तो फॉर्मेट करते टाइम आपको कुछ इस तरह का एरर आता है, आपने देखा होगा, UEF मोड ओनली। तो जो आप बूटेबल जो पेन ड्राइव बनाई है ना आपने, वो पेन ड्राइव आपने गलत तरीके से बूटेबल बनाई है और वो इस मोड को सपोर्ट नहीं करता, मतलब UEFI ओनली मीडिया सपोर्ट करती है, मतलब ये एरर होता है। तो आपको उसको किस तरीके से बूटेबल पेन ड्राइव को बनाना है, क्योंकि आपको दोबारा से बूटेबल पेन ड्राइव बनाना रहेगी, और इसको इस एरर को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिए। फिर आपको क्या करना है, जो बूटिंग का सॉफ्टवेयर है उस पर आना है, और उस पर आके आपको क्या करना है कि आपको अपनी IOC फाइल सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे जाके डेस्कटॉप पे जाके IOC विंडोज़ की फाइल सेलेक्ट कर ली मैंने। और अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे ये UEFI मोड है ना, ये इसको आपको MBR, जो डिफ़ॉल्ट GPT है, उसको MBR कर देना है। और ध्यान रखना है कि आपकी जो पेन ड्राइव है वो लगी होना चाहिए, और पेन ड्राइव मेरी लगी है। और बस उसके बाद आपको स्टार्ट, और आपकी ये फॉर्मेट होगी और ये स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये कंप्लीट होता है तो मैं आपको फिर बूटेबल मोड पे लेके जाऊंगा और वहाँ पे बताऊंगा किस तरीके से फिर आपको आगे प्रोसेस करना है। तो ये हम आ गए अपने बूटिंग मेन्यू पे, और जो बूटिंग डिवाइस पे आ चुके हैं। हमने अपनी जो सेंट्रिक की USB पेन ड्राइव है, जो हमने बूटेबल बनाई थी, वो हमने कर ली है। अब जो हमसे बोल रहा है, प्रेस एनी की फॉर बूटिंग, बूट करने के लिए कोई भी की को दबाइए, और ये हमने दबा दिया है। अब ये देखिए यहाँ पे कर्सर चल रहा है, ये थोड़ा समय लगेगा मगर हो जाएगा। ये कर्सर चल रहा है, आप देख सकते हैं, और थोड़ा मतलब ये बूटिंग लेने में कम से कम मानिए 2 से 5 मिनट ले लेगा, मतलब दो से चार मिनट तक तो लेता है, क्योंकि ये मेरी जो सिस्टम है वो साटा है, SSD हार्ड डिस्क नहीं है, इस कारण से थोड़ा स्लो बूटिंग लेगा। और विंडो 10 डाल रहा हूँ तो उसका थोड़ा सा स्लो ही बूटिंग आएगी, क्योंकि मैंने विंडो 10 ही डालना था। अब देखिए, अब ये मेरा बूटेबल ले लिया है, अब ध्यान से देख सकते हैं, ये मेरा बूटिंग मेन्यू खुल चुका है, मतलब जो फॉर्मेट करने का ऑप्शन आता है विंडो 10 में, ये आ चुका है। इस तरीके से आप जो एरर आ रहा था उसको रिमूव कर सकते हैं।